पे एक चीज़ डिसाइड की है कि जो हम अपना सेटअप बनाएंगे या यहाँ पे बनाएंगे या अपने जो वाले घर हैं इसके ऊपर। घर वाली जगह थोड़ी है, क्या नहीं है सींग हम बनाएंगे, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो पैसों का जुगाड़ भी पहले करेंगे ना एक मंथ के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक और मस्त होंगे। मैंने अपनी मुर्गियाँ वगैरह निकाली सुबह सुबह, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, बहुत बुरी हालत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको दिखाते हैं मुर्गियाँ वगैरह सब कुछ बाहर निकाल दिया अभी हमने, तो हमारी ये वाइट डग से ना, ये भी हम आजकल यहीं पर निकालते हैं। और यहाँ पर देखो कितना कोहरा जम चुका है पानी में, अभी आके निकाले हैं बाहर मैंने। तो सुबह से बहुत ज़्यादा ही शोर था इनका, लेकिन बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ये मुर्गी बीमार है, इसका कुछ लग रहा है। क्या क्या मसला, कोहरे में घुस गया वो, कोई लगती नहीं इनको सर्दी वगैरह कुछ भी। वैसे हमने डब्बों में गर्म पानी डाला हुआ ये देखो, लेकिन गर्म पानी पियेंगे नहीं ये। अभी डाला है हमने आके दाना, तो अब देखते हैं कबूतर के बच्चे कितने कितने हुए। माशाल्लाह, ये तो वैसे ही जैसे हमारे बड़े वाले हैं। इसको देखो, वो उसके साथ है और ये इसके साथ। दिखाते ना ऊपर करके, दिखे दिखे अच्छे है ना, कबूतर के बच्चे हैं ये, कबूतर कबूतर के बच्चे। दानियाल हेलो नहीं किया, हेलो कर पहले, हेलो बोल के हाल है। ये देखो अब इनको भी निकाला बाहर, तो चलते हैं अब हम बाहर। आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करो, सपोर्ट करो यार, बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पे। और सारी बात, लेकिन ये हमारे जो टर्की बर्ड है अंदर नहीं रुकती एक मिनट के लिए भी। अभी देखो ये आ गया बाहर, यानी अब दूसरे वाले इसको ढूंढ रहे, अब हमें उनको भी निकालना पड़ेगा। अब देखो चली गई खुद ही, क्या हुआ क्या हुआ क्या सारे डर गए। डार्जी इसको देखो आज भाई साहब, इसकी पीछे वाले जो पंखे ना वो भी आ चुके हैं, अब सही लग रही थी, बहुत बुरी हालत थी इसकी। देखो शोर बाहर निकलने में मुफासा लेके आ गया हमारे पास। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा 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 इधर इधर इधर, क्या हुआ इसको, कुछ नहीं हुआ। शार्ट नहीं करना उसके साथ, खा थोड़ा दाला डाल दे इसको भी। वो इधर देखो, खाने दे उसको, नहीं। क्या नहीं है सींग, शर्त नहीं करना, शर्त नहीं करना, इससे नहीं डरता देखा, इसके साथ खेलता रहता है ये, प्यारा लगता है ये। तेने तो गिर गया, नहीं लगी, छोड़ देना उसको। देखो जो कुछ देते हैं अपनी बकरी को पानी, क्यों जो उसका बच्चा ना ये आया हमें लेने के लिए कि पानी दो। अब से देखा हमारा जो माल मवेशी है, माल मवेशी समझ रहे हो जानवर, तो अब से यहाँ पे रहा करेंगे क्योंकि अब नीचे धूप नहीं लगती। इसको देखो आज की सफाई हो रही है, कटिंग कर देंगे आज इसकी हम, फिर देखने कितनी सही लगेगी। ये हमारी बकरी, तो अपने एक चीज़ डिसाइड की है कि जो हम अपना सेटअप बनाएंगे या यहाँ पे बनाएंगे या अपने जो वाले घर हैं इसके ऊपर। घर वाली जगह थोड़ी है, तो देखते हैं यहाँ पे बनाएं या वहाँ पे। तो गर्मियों में हमने ये बनाना ही बनाना है, एक महीने के बाद इसका काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब सबका सपोर्ट होना चाहिए, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि चैनल भी ग्रो करे साथ साथ में, तो हम इसका सेटअप का काम भी स्टार्ट करें। देखते हैं जब 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो हम इस सेटअप का काम स्टार्ट कर देंगे। सुबह से पानी नहीं डाला हुआ था, कोई पानी डाला है हमने, क्या हुआ क्या हो गया,
हमारे, इसको देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह खांसी लग गई इसको। इसका भाई साहब ये वाली सी जो रस्सी है ना बहुत ही टाइट हो चुकी है, इसको हम खोलेंगे थोड़ा, इसको भी खुला करेंगे। ये देखो ये अगर कहीं खो जाए ना तो मिल जाएगी। बाकी देखो इसको भाई क्या हालत की है यहाँ से मट्टी की। क्या हुआ यहाँ देखो, घास बचाने के लिए क्या जुगाड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे घर वालों ने। और देखो इस घास को, एक दो बारिश हुई है ना गिर चुका है अकेली। अब गर्मी आ चुकी है, मौसम देखो कितना सुहाना है आज। इस जगह पे अगर हम बनाएं तो नहीं, घर वाले हमें छोड़ें थोड़ी, ये वाली बहुत बड़ी जगह ना ये भी, हम बनाएंगे लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो पैसों का जुगाड़ भी पहले करेंगे ना एक मंथ के बाद इंशाल्लाह। अगर तू के सब्सक्राइब कंप्लीट आप करो तो काम हम इसका लगाएंगे फिर सेटअप का, फिर नई नई चीज़ें भी लाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जगह भी कम है, तो फिर घर वाले भी परेशान होते हैं। देखते हैं या वहाँ पे या यहाँ पे, एक जगह डिसाइड करनी है, तो आप बताना यहाँ पे बनाएं या फिर यहाँ पे बनाएं। वैसे ये जगह तो काफ़ी बड़ी है ना, यहाँ पे हर चीज़ हमारी रह सकती है। ये घास वगैरह यहाँ से हटा देंगे हम, एक महीने के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, ये थोड़ा ही बच गया। निकाले हमने टर्की बर्ड्स बाहर और अपने छोटे चूजे भी। वाह इतनी आजकल मस्त धूप लग रही है ना, बारिशों के बाद तो मौसम सही हो गया, सर्दी भी होती है सुबह सुबह शाम, लेकिन एक बार दिन को अब व्यू भी अच्छा आ रहा है, धूल वगैरह ख़त्म हो गई है। और मैं दिखाता हूँ इनको भी, अब ना टर्की भी मुर्गियाँ सारे आराम से धूप लगाते हैं दिन को, ये देखो आराम से बाहर निकलते हैं, थोड़ा मज़ा भी है। अब घास भी हरा भरा होना स्टार्ट हो चुका है देखो बीच बीच में। अब से हमने डिसाइड किया मुर्गियों को भी बाहर निकाला करेंगे। ये वाला घास देखो इतना अच्छा व्यू आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, देखो पूरा साफ साफ सब कुछ नज़र आ रहा है, बादल भी कितने साफ नज़र आ रहे हैं, पिछले दिन तो बहुत बुरी हालत थी। और ये भी आज बाहर निकाले हमने, घास वगैरह होना तो बाहर निकालने का मज़ा भी आता है, थोड़ी इसकी जरिए भी घूम लेंगे। वैसे अंदर तो हम बहुत कुछ डालते हैं लेकिन बाहर घूमने के बिना जल्दी जल्दी अंडे नहीं देते। ये तो अभी कहाँ देंगे, अगर टर्की दें तो अच्छी बात है। उसको देखो ये भी आगे टर्कियों के साथ बैठा रहता है ना, इतना शरारती है ना ये। क्या हुआ, तारीफ की ना मैंने ज़्यादा तो तभी इसकी हालत होगी। टर्कियों को अंदर भी करते हैं व्लॉग एंड भी, क्योंकि इनको डालना पड़ेगा ना अंदर, ये ना हो अगर मैं थोड़ा इधर तो हुआ तो कोई चीज़ ले जाएगी इनको, फिर बड़ा ही मुसीबत बढ़ेगी। फिर ये इनको भी अंदर डालना है, छोटे वाले चूज़ों को भी। वैसे दो टर्की चले गए और ये देखो मेरे पीछे आ गए, कितनी मसाफ है, इनको पकड़ के डालते हैं पहले अंदर। आ जा जा, अब मैं डालूँगा। देखो आ गया कि नहीं, इसको पता है कि आ चुका है साजिद। चल अच्छी तरह से खा पी लिया इन्होंने, मुर्गियों को भी हमने दाना डाल दिया था, उन्होंने भी खा लिया। देखो आज धूप लगी है ना, आज इतनी धूप है कि आके छाँव में बैठे हुए, शुक्र है। ये बारिश बरसने का ये मज़ा आता है कि बारिश के बाद हर चीज़ सही हो जाती है। और एक रह गई है, वो यहाँ से भी नीचे गुजर गई, उसको देखते कहाँ पे चली गई, वो पहुँची है। आ जा जा, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं, नीचे नहीं, वापिस वापिस चलो, वापिस चलो, चलो वापिस। छोटे वाले चूज़ों को भी अंदर डालते हैं, ये भी चला गया अंदर, बट टर्की सारे चले गए, गाड़ी दिख जाए मुझे, हाँ वो भी चली गई है। अब इनको भी अंदर बंद कर देते हैं, इसी पे करते हैं आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो अंदर, चलो अब बहुत हो गया, और ज़्यादा ज़्यादा एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। अब देखो कहाँ पे चढ़ के बैठा हुआ है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।